डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कड़े रुख के बाद हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले 53 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें पुलिस क्षेत्र अधिकारी हापुड़ बदनाम, हापुड़ नगर प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह, थाना बाबूगढ़ प्रभारी संजय पांडे, प्रभारी निरीक्षक हाफिजपुर ब्रजेश कुमार, महिला थाना प्रभारी प्रतिमा त्यागी, हापुड़ देहात प्रभारी दिलीप कुमार बिष्ट आदि प्रमुख से शामिल है। इन 53 पुलिस कर्मियों पर धारा 147, 323, 504, 506, 308, 354, 392 IPC की धाराएं लगाई गई हैं। अधिवक्ता सुधीर कुमार राणा द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 अगस्त को वेब बार एसोसिएशन के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश के मिसबिहेव के कारण उनके विरुद्ध तहसील पर शांतिपूर्वक अधिवक्ता संघ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी 50-60 पुलिस कर्मियों ने जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर दिया, जिससे कई अधिवक्ता लहूलुहान हो गए। जमीन पर गिरे हुए अधिवक्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। जब अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया तो उनकी तरफ पुलिस ने बंदूक तान दी। रिपोर्ट में सुधीर कुमार राणा की सोने की चैन व हाथ की घड़ी लूटने का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।